माघ मास महात्म्य 18वां अध्याय। श्री विशिष्ट ऋषि कहने लगे कि हे राजन, मैंने दत्तात्रेय जी द्वारा कहा, माघ मास महात्म्य कहा, अब माघ मास के स्नान का फल सुनो। हे परंतप, माघ मास स्नान सब यज्ञों व्रतों का और तपों का फल देने वाला है। माघ मास स्नान करने वाले स्वयं तो स्वर्ग में जाते ही हैं, किंतु उनके माता और पिता दोनों के कुलों को भी स्वर्ग प्राप्त होता है। माघ मास में स्नान करने वाले दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाते हैं, और इस मास में हरि का पूजन करने वाले पाप समुदाय से छूटकर भगवान के शरीर वाले हो जाते हैं। यदि कोई आलस्य से भी माघ मास में स्नान करता है, उसके भी सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे गंधर्व कन्याएं राजा के श्राप से भयंकर काल को भोगती हुई लोमश ऋषि के वचन से माघ में स्नान करने से पापों से छूट गई, यह वार्ता सुनकर राजा दिलीप विनय से पूछने लगा कि गुरुदेव, यह कन्याएं किसकी थी? उनको कब और कैसे शाप मिला? उनके नाम क्या थे? ऋषि के वाक्य से कैसे शाप मुक्त हुई और उन्होंने कहां पर स्नान किया? आप विस्तार पूर्वक सब कथा कहिए। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजा, जैसे अरणि से स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही यह कथा धर्म और संतान उत्पन्न करती है। हे राजन, सुख संगीत नामक गंधर्व की कन्या का नाम विमोहिनी था, सुशीला तथा स्वर देवी की सुंबरा, चंद्रकांत की सुतारा तथा सुप्रभा की कन्या चंद्रिका, यह पांच सब समान आयु वाली तथा चंद्रमा के जैसे कांति वाली और सुंदर थी। जैसे रात्रि को चंद्रमा शोभायमान होता है, वैसे ही पुष्प की कलियों के समान खिली हुई यह अप्सराएं थी। ऊँचे पयोधर वाली पद्मिनी वैशाख मास की कामनी यौवन दिखाती हुई नवीन पत्तों वाली लता के सदृश गोरे रंग, सोने के सदृश चमकती हुई और सोने के अलंकारों से सुशोभित सुंदर वस्त्र धारण करे हुए अनेक प्रकार के गाने और वीणा अन्यथा बांसुरी तथा दूसरे बाजे बजाने में प्रवीण और ताल स्वर तथा नृत्य कला में निपुण थी। उस प्रकार वह कन्याएं क्रीड़ा करती हुई कुबेर के स्थान में विचरती थी। एक समय कौतुकवश माघ मास में एक वन में दूसरे वन में विचरती हुई मंदिर के पुष्प तोड़कर सरोवर पर गौरी पूजा के लिए गई। स्वच्छ जल के सरोवर पर स्नान करके वस्त्र धारण कर मौन हो बालू मिट्टी की गरी बनाकर चंदन कपूर कुमकुम और सुंदर कमलों से उपचार सहित पूजन करके यह पांचों कन्याएं ताल नृत्य करने लगी। फिर ऊंचे गांधार स्वर में सुंदर गीत गाने लगी। जब यह कन्याएं गाने और नाचने में लीन थी, तो उस अच्छोद नामक उत्तम तीर्थ में वेद निधि नाम के मुनि के पुत्र अग्निप ऋषि स्नान को गए। वह युवा ऋषि सुंदर मुख कमल सदृश नयन
विशाल छाती, सुंदर भुजाओं वाला, दूसरे कामदेव के समान था, शिखा सहित दंड लिए, मृग चरम ओढ़े, यज्ञोपवीत धारण किए हुए था। उसको देखकर पांचों कन्याएं मुग्ध हो गई और उसका रूप एवं यौवन देखकर कामदेव से पीड़ित होकर बोली कि देखो देखो, ऐसा कहती हुई उस ब्राह्मण के चित्त में कामदेव का ध्यान उत्पन्न करने लगी और आपस में विचार करने लगी कि यह कौन है। रति रहत होने से कामदेव नहीं, एक होने से अश्विनी कुमार नहीं, यह कोई गंधर्व या किन्नर या काम रूप धारण कर कोई सिद्ध या किसी ऋषि का श्रेष्ठ पुत्र या मनुष्य है। कोई भी हो, ब्रह्मा जी ने इसको हमारे लिए बनाया है। जैसे पूर्व कर्म के प्रभाव से संपत्ति प्राप्त होती है, वैसे ही गौरी जी ने हम कुमारियों के लिए श्रेष्ठ वर दिया है और आपस में यह तुम्हारा वर है या मेरा अथवा सबका, ऐसा कहने लगी। जिस समय उस ऋषि पुत्र ने अपनी मद्याह की क्रिया करके ऐसे वचन सुने तो वह सोचने लगा कि यह तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता तथा बड़े योगेश्वर भी स्त्रियों के भ्रम जाल में मोहित हो गए हैं। इनके तीक्ष्ण बाणों से किसका मन रूपी हिरण घायल नहीं हो सकता। जब तक नीति और बुद्धि रहती है तब तक पाप से भय रहता है। जब तक तप की गंभीरता रहती है, यम विधि का पालन होता है, तब तक मनुष्य स्त्रियों के काम रूपी बाणों से बींधा नहीं जाता। यह मुझे उन्मत्त और मुग्ध कर रही हैं। किन गुणों से धर्म की रक्षा हो सकती है? स्त्रियों के मांस, रक्त, मल, मूत्र से बने घृणित और शुद्ध शरीर में कामी लोग ही सुंदरता की कल्पना करके रमन कर सकते हैं। शुद्ध बुद्धि वाले महात्माओं ने स्त्रियों के पास रहना कष्टकारक कहा है। सो जब तक यह पास आवे, घर चले चलना चाहिए। अतः जब तक वह उसके पास आई, वह योग बल से अंतर ध्यान हो गया। ऋषि पुत्र के ऐसे अद्भुत कर्म देखकर वह चकित होकर डरी हुई चारों तरफ देखने लगी और आपस में कहने लगी कि यह क्या इंद्रजाल था जो देखते देखते विलीन हो गया। और वह विरह की अग्नि में जलने लगी और कहने लगी कि हे कांत, तुम हमको छोड़कर कहाँ चले गए? क्या तुमको ब्रह्मा ने हमको विरह रूपी अग्नि में जलाने के लिए ही बनाया था? क्या तुम्हारा चित्त दया रहत है जो हमारा चित्त दुखा कर चले गए? क्या तुमको हमारा विश्वास नहीं? क्या तुम कोई मायावी हो? बिना किसी अपराध के हम लोगों पर क्यों क्रोध करते हो? हे हृदेश्वर, तुम्हारे बिना हम नहीं जिएंगी। जहाँ पर आप गए हो हमें शीघ्र ले चलो, हमारा संताप हरो और हमको दर्शन दो। दया करो, सज्जन लोग किसी का नाश नहीं करते। अथ श्री माघ मास महात्म्य 18वां अध्याय समाप्त। जय शिव शंकर।